हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, पुणे, नागपुर, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का हम उपचार करते हैं। बिना रिश्तेदार हम लोगों को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। हम जो हिप्नोटाइज करते लोगों को, हेटरो हिप्नोटिज्म मतलब मैं लोगों को सिखाता हूँ, सेल्फ हिप्नोस मतलब खुद ने खुद को कैसा सम्मोहित करना बताता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसा उसके इम्प्रिंटिंग करना या वहाँ तक कैसे पहुँचना बताता हूँ, और उससे काफ़ी लोग अच्छे हो जाते हैं। बहुत लोगों को रिलैक्स फील करते हैं, उनकी बीमारी भाग जाती है। सालों साल जो दवाइयाँ चालू रहती है बंद हो जाती है, क्योंकि लोगों को होता क्या है कि टेंशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, काफ़ी सारी दवाइयाँ लोग लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अल्प्राजोलाम नाम का मतलब जो ड्रग है, तो वो ड्रग लाखों लोग आज ले रहे हैं और उनकी उसकी लत लोगों को लग गई है। वो इसलिए लगती है कि लोगों का दिमाग जो है ना वो हाइपर जैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा वरीज है, चिंता है, फोबिया है, और उसके लिए वो ब्रेन क्वाइट करने के लिए, शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उनको ज़रूरत होती है कुछ दवाई लेने की, और फिर वो दवाई लोग लेते रहते हैं। मतलब अल्प्राजोलाम नाम का जो ड्रग है वो 0.25 मिलीग्राम गोली आती है, और वो हमारे देश में कितने किलो रोज बिकी जाती है पता नहीं, किलो में 0.25 मिलीग्राम की गोली रहती है। सम्मोहन से होता क्या है कि सम्मोहन से आप अपने आप को सूचना देके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। मतलब जो गोली काम करती है, जो टैबलेट, जो मेडिसिन, दवा जो काम करती है, वो काम आप सेल्फ सजेशन के माध्यम से ब्रेन को रिलैक्सेशन की सूचनाएं देके ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हैं। एक बार ब्रेन रिलैक्स हो गया तो फिर उसका फ़ायदा अपने पूरे बदन को होता है, फिर डर निकल जाएगा, टेंशंस, वरीज, जो एंग्जाइटीज़ जो है ना वो निकल जाएंगी, क्योंकि लाइफ में जो चीज़ होना है वो तो होना ही है। समझे, खाता है एक्सीडेंट हो गया, एक बार एक्सीडेंट हो गया उसका डर मन में बैठा, अब वो डर लेके मैं मेरा जीवन काटते रहूं या बिताते रहूं तो कैसा होगा, मगर बार 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 विचार होता है कि एक्सीडेंट हो गया, अभी मेरा एक्सीडेंट होगा। कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, रिश्तेदार होगा अपना या कोई दोस्त में से होगा, मगर अभी वो हो गई चीज़, उसका मुझे डर लगता है कि मैं मर जाऊँगा, हार्ट अटैक आ जाएगा क्या, कोई बीमारी हो जाएंगी, कोई टीबी हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा, ऐसा डर लगना। तो वो जो ब्रेन अभी हाइपर जैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल इम्बैलेंस हो गया, केमिकल लोचा हो गया है, उसमें फिर गोलियां काम करती है, दवाई काम करती है, मगर उससे भी ज़्यादा आपको हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोसिस आप सीखते हैं, और हिप्नोसिस के जरिए, विजुअलाइजेशन के जरिए आप वो बीमारी को आप अच्छा कर सकते हैं, या टेंशन को आप दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस आपका कम हो सकता है, आपकी चिंता कम हो सकती है, आपकी बार बार हाथ धोने की बीमारी जो वो ठीक हो सकती है, फोबिया ठीक हो सकता है, डिप्रेशन ठीक हो सकता है, बाकी बार बार चिड़चिड़ा स्वभाव है, एंग्रीनेस है, मतलब इरिटेबिलिटी है, गुस्सा है, ब्रेन शांत हो सकता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं लोगों को सिखाता हूँ कि कैसा सेल्फ हिप्नोटाइज करना, उसकी सीडी देता हूँ, कैसेट देता हूँ, यूट्यूब के जो कोई हमारे वीडियोज़ है वो देता हूँ रिलैक्सेशन के लिए, ताकि रोज़ लोग घर में प्रैक्टिस कर सके और अपना जीवन पावरफुली बिता लेंगे। क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड में सब कुछ अच्छा मालूम है, मतलब हमको नॉलेज बहुत है, नॉलेज सब है, मगर नॉलेज का कुछ फ़ायदा नहीं है, नॉलेज से कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि जब तक वो कॉन्शियस माइंड को ही मालूम है तो उसका इफेक्ट आपको सबकॉन्शियस माइंड में दिखेगा नहीं। सेल्फ हिप्नोसिस में उसका इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में अपन जब सूचनाएं देते हैं तो उसका इफेक्ट अपने को जीवन में दिखता है। तो सेल्फ हिप्नोसिस के लिए हम वर्कशॉप्स लेते हैं, हम उसके 1-to-1 कोचिंग में देता हूँ हिप्नोसिस के लिए, लोग काउंसलिंग के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए काउंसलिंग करवाते हैं मेरे से, उनको फ़ोन के ऊपर हम कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं हिप्नोसिस के बारे में, और वैसे उनको जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या हिप्नोसिस के बारे में हम लोगों को देते हैं, ताकि लोगों का जीवन वो पावरफुली जी सके। हमारे यहाँ मनोरुग्ण लोग और व्यसनी लोग दोनों भी, उनका इलाज हम करते हैं, और बाकी जो माइनर मेंटल इलनेस है उसका इलाज जो है ना वो सम्मोहन से, हिप्नोटिज्म से होता है। मेडिसिन भी हम देते हैं, कोई ऐसा बोलता है कि नहीं हमको तुरंत इलाज होना, मेरी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ, हिप्नोटिज्म को बहुत टाइम लगेगा, चलो दवाई ले लूँ, या कोई बोलता है कि आज मुझे बहुत बड़ा
भाषण देने का है या कोई मीटिंग में जाने का है, मुझे बहुत डर लगता है, सम्मोहन से बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए फिर हम दवाई देते हैं और बाद में हम सम्मोहन सिखाते हैं। तो किसको स्टेज फोबिया होगा, किसको लोगों का फोबिया होगा, किसको एग्ज़ाम का फोबिया होगा, डर होगा या लोगों में जाने का डर होगा, तो वो भी हमारे यहाँ आके करते रहते। तो आप ज़रूर हमारे मतलब जानकारी ले लो, आप ज़रूर हमारे वर्कशॉप्स में आइए सम्मोहन के, और सम्मोहन आप सीख सकते हैं, हिप्नोटिज्म सीख सकते हैं और अपना जीवन अच्छा परिपूर्ण कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है सम्मोहन के बारे में, सम्मोहन के बारे में गलत फहमियाँ बहुत है, ये साइंटिफिक मेथड है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फैलाओ, शेयर करो, आप लाइक करो, और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्ञानी हो जाएंगे और लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।